अच्छा जी, ये है मर्चेंट ट्रेड का एटीएम कार्ड। इसके मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके अंदर। आप अगर आप मलेशिया में हैं और आप ये कार्ड अगर बनाना चाहते हैं, इसको बनाना कैसे है, इसके अकाउंट कैसे बनाना है, वो मैंने एक वीडियो बना के चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वो देख लें। आज मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं, अगर आपके पास वर्क परमिट है और आप कैश जो है अपनी जेब में नहीं रखना चाहते, अगर आप अपनी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैश अपनी जेब में रखते हैं तो डर होता है कि आप कहीं बाहर निकलते हैं तो कोई आपसे छीन ना ले पैसे, या कहीं गिर ना जाए, गुम ना हो जाए, तो बंदे को ना टेंशन रहती है कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं तो वो कोई चोरी ना कर ले, या कोई कहीं गिर ना जाए, या कोई छीन ना ले हमसे। तो ये कार्ड जोन से ना, आप ये कार्ड बना के इसके अंदर अपने पैसे रख सकते हैं, और इससे आप ऑनलाइन अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं, अपनी सैलरी रिसीव कर सकते हैं, किसी को पैसे सेंड करने वो कर सकते हैं, अपने आपने मोबाइल में टॉप अप करना है, लोड करना है वो कर सकते हैं, इंटरनेट पैकेज करना है वो कर सकते हैं। अगर आपकी जेब में कैश पैसे नहीं हैं, कार्ड में पैसे हैं, कहीं आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग करने जाते हैं तो आप वहाँ पर जाके ये कार्ड से टच करके या स्वाइप करके इससे आप जॉनसन बिल या पेमेंट पे कर सकते हैं। ये वीडियो उनको शेयर करो जो अपने पैसे सेव करना चाहते हैं और अकाउंट बनाना चाहते हैं अपना। इस मर्चेंट ट्रेड अकाउंट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास अपना सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल, और आपका जो नंबर है वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, जो आपके नाम पे हो, तो ये आपका जॉनसन बन जाएगा मर्चेंट रेट का एटीएम कार्ड। मे बैंक से आप निकाल सकते हैं, किसी भी एटीएम से जाके आप निकाल सकते हैं अपने पैसे। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।